अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आए आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके, जो कि है चिकन मुगलाई ड्रमस्टिक्स। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो हमने ड्रमस्टिक्स ले ली, जो कि हमने ली तकरीबन 6 से 12। आपने ड्रमस्टिक्स ले लेनी है। ये तकरीबन आपकी बनेगी 1 किलो से 1.5 किलो के करीब चिकन। उसके बाद हम चलते हैं अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हमने 1/2 कप ले लिया क्रीम, 1/2 कप ले लिया हमने योगर्ट, उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून के बराबर ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने ले लिया लेमन जूस। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने ले लिया जनाब, सबसे पहले गरम मसाला 1/2 टीस्पून, फिर हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले हम करेंगे ये कि हमने जो ड्रमस्टिक्स ली हुई हैं, इस चिकन को हम यहाँ से इसका कट लगा देंगे। कट आपने इसका थोड़ा डीप लगाना है, हड्डी पे कट नहीं लगना चाहिए, लेकिन जितनी इसके ऊपर बाकी ये जो चिकन है, वो इसको आपने इस तरह करके डीप कट लगा देना है कि ये यूं करके खुल जाए। तो हम बाकी इसी तरह सारे अपने जो ड्रमस्टिक्स हैं उनको ऐसे ही कट लगाएंगे। ध्यान से आपने लगाना है, आपके हाथ पे ना लगे, अपना हाथ बचा के, छुरी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपने बहुत एहतियात से इसको कट लगाना है। अच्छा जी, जो जनाब हमने चिकन को कट लगा दिया है, चिकन के साथ साथ हमने अपनी उंगली पे भी कट लगा दिया है। तो ये आपने बहुत ध्यान से इसको कट लगाना है, ताकि आपके इस तरह कुछ उंगली वगैरह पे ना लगे। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। तो हमने क्या करना है कि हमने जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, वो तमाम एक बाउल में ऐड, इसको अच्छे से करना है मिक्स, और उसमें हम ऐड कर देंगे फिर अपने लेग पीसेस। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ड्रमस्टिक्स, और इनको हम साथ साथ मैरिनेट करते जाएंगे। तो जनाब, इसको मैरिनेट करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे क्लिंग रैप से, या आप किसी प्लेट से कवर करना चाहते हैं आप किसी प्लेट से कवर कर दें, और कवर करके हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मिलते हैं आपसे 1 से 1.5 घंटे के बाद। अच्छा जी, तो जनाब आते हैं अब अपनी रेसिपी के अगले पार्ट पे। तो हमने उसको 1.5 आवर के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छे से मैरिनेट जो है वो हो चुका है। अब हम जाएंगे फ्राइंग की तरफ। तो इसको कुक करने के लिए हम लेंगे ऑयल, हम डालडा का ऑयल ले रहे हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप कुकिंग ऑयल घर में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने ऐड नहीं करना, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर आप ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद आप जो है वो ये ड्रमस्टिक्स, इसमें हम अपनी ड्रमस्टिक्स ऐड कर देंगे, और फ्लेम जो है वो हम अपना बिल्कुल लो पे ले जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना है। जितनी इजीली 1 टाइम आपके पैन में आती हैं, आपने उतनी ड्रमस्टिक्स जो है वो पैन में ऐड करनी है। हमारे पैन में इस टाइम जो है वो 7 पीसेज आए हैं, तो हम ये 7 पीसेज जो हैं वो पहले कुक करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, इसको हम ढक्कन रखेंगे इसको, और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। लो फ्लेम पे आपने इसको छोड़ना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स बाद हम करेंगे इसकी साइड चेंज। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स के बाद। अच्छा जी जनाब, 10 मिनट्स हो चुके हैं। 10 मिनट्स बाद अब हम रिमूव कर रहे हैं इसका लेड। इसके बाद हम करेंगे ये कि हमारा जो ये रिमेनिंग बैटर है, इसको इसके ऊपर ब्रश करेंगे। अच्छे से इसको कोट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, हमारा दूसरी साइड से जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ चुका है।
इसकी साइड चेंज करके अगेन हम इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो कवर कर देंगे। अच्छा जी जनाब, 10 मिनट और गुजर चुके हैं, फ्लेम हमने अपना कर दिया बंद। दूसरी साइड पे हमने इसको अब देना है कोल स्मोक। तो हमने क्या किया, हमने इसको फॉइल पेपर ले लें, आपके पास फॉइल की कोई वो छोटा सा कोई अगर बाउल भी है आप वो भी रख सकते हैं। हम इस पे हमने कोयला जो है वो गर्म कर लिया, इसको रखेंगे हम इसके बीच में और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको हम ढक देंगे। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।